ट्रांसपिरेशन टॉपिक चल रहा था, ठीक है। ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन मैंने लिखवा दी थी और उसके बेनिफिट्स मैंने लिखवा दिए, ठीक है, और उसके लॉस भी मैंने बता दिए, ठीक है। चलो बेनिफिट्स कहां तक कितने का कंट्रीब्यूट बिगेन करता है, ना तक, ठीक है। चलो डायग्राम बना लो। बस क्या कर रहा है, क्या बैठ रहा है, हो गया। फिर कैसे सुनो, स्टोमेटा क्या, स्टोमेटा में से जो ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा में, वो 90% स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। 9.9% क्यूटिकल से होता है, उसका सरफेस है, ठीक है। और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकल, वहां से होता है 0.1%।
तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन कौन करते हैं? स्टोमेटा 90%, ठीक है। 9.9% क्यूटिकल करता है, क्यूटिकल की सरफेस, सरफेस के ऊपर जो क्लियर होती है, ठीक है। और लेंथी सेल्स होती है यहाँ पे स्टेम के पास, ठीक है। और यहाँ से कितना होता है 0.1, लिख लिया ये। चलिए आगे देखो, Submerged hydrophytes do not show transpiration, and maximum transpiration observed in mesophytes. देखो mesophytes hydrophytes क्या होता है? जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ना, सबमर्ज मतलब आधे पानी में, आधे पानी के बाहर, उनको क्या बोलते हैं? सबमर्ज, ठीक है। तो सबमर्ज करते हैं वो ट्रांसपिरेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना पानी होता है कि वो उसको बाहर नहीं जाने देते। स्टोमेटा ऑलमोस्ट वहां पे क्लोज है, ठीक है। लेकिन जो मेसोफाइट्स होते हैं वो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन शो, ठीक है, मैक्सिमम। ओके, अब एक और पॉइंट नेक्स्ट। अच्छा चलो सॉरी, अगला आपको डर स्टोमेटा में बात करें। डायग्राम बनाते स्टोमेटा, ये कर लो जल्दी। Thank you.
पहले जो बना रहे हो उसको देखो क्या होता है टोमेटो बैकग्राउंड है ये क्या है वर्ड सेल्स है ठीक है वर्ड सेल्स इसमें क्या है टोमेटो ओपनिंग जहां से टोमेटो ओपन होता है ठीक है ये सब्सिडियरी सेल्स है ऑलरेडी तो बन चुके हैं एंड नॉट ग्रीन ठीक है ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तुमको पता है सब्सिडियरी सेल्स में क्या होता है सॉरी वर्ड सेल्स में अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ठीक है लीफ का कलर ज्यादातर ग्रीन होता है स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होती है लीफ में और लीफ में स्टोमेटा है स्टोमेटा में क्लोरोप्लास्ट उसकी वजह से ग्रीन कलर देता है ठीक है बट ये सिर्फ दो प्रोसेस होते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ठीक है तो साइक्लिक में ही सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होगा सिर्फ उसी साइक्लिक में होगा नॉन साइक्लिक में होगा व्हाटएवर साइक्लिक नॉन साइक्लिक जिसमें रिवर्स होकर भी आ जाता है पूरा फोटोसिंथेसिस चैप्टर में साइक्लिक में होगा ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है लेकिन इससे क्वेश्चंस आते हैं स्क्रीन तुमको करा रहे क्योंकि आगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जब तुम पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें ये बहुत यूज होगा ठीक है पूरा मैकेनिज्म स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैसे होती है क्या होगा वो सब कुछ उसमें यूज होना है अच्छा मार्क्स पता चल गया बाद में पूछते भी नहीं होंगे हमारे सिद्ध मार्क्स में केमिस्ट्री में बताओ ना क्या इट्स केमिस्ट्री आधा ही अरे इतना कैलकुलेशन ना है तो उसके लिए क्या नेक्स्ट प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस कर तुम्हें तो रिपीटर को मुझे रिपीटर है इट्स ओके केमिस्ट्री में नहीं आएगी ना मीटर सेक्शन में मैं मैंने फर्स्ट टाइम पास किया है ऊपर से हम लोग चलो ये कोर्स सीरियस है फर्स्ट टाइम हां पर ठीक है और लास्ट टाइम पढ़ा है अरे ठीक है भाई ये कोर्स हो गया हो गया सब कुछ ठीक है चलो अभी पॉइंट इसमें स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स stomata are small pore over the
on herbaceous stem or on herbaceous stem over leaf or on herbaceous stem काफी सॉफ्ट स्टेम हर्बेशियस स्टेम का मतलब होता है सॉफ्ट स्टेम जैसे कि वो लेंटिकल्स बनाया था वो सॉफ्ट थी इसलिए हमने ये बात टाइम बताओ 11 हो गया क्या टाइम है 11 हो गया 11 10 हो गया वहाँ पे वो पीछे ही होते हैं आज हमने ये कर दिया हुआ चाला बताओ कि हम चाल लेंगे आगे लिखो अगला पॉइंट और सॉफ्ट स्टेम ठीक है For the purpose of gaseous exchange. देखो स्टोमेटा का अगर तुमको मेन फंक्शन पूछता है ठीक है वॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा तो आप उसको क्या लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ठीक है ट्रांसपीरेशन उसका क्या है साइड फंक्शन ठीक है ट्रांसपीरेशन उसका मेन फंक्शन नहीं है अगर वो क्वेश्चन करता है वॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा तो दोनों देगा तो नीचे थर्ड ऑप्शन बोथ भी देगा ठीक है तो अगर दोनों आ रहे हैं तो बोथ लेकिन अगर मेन फंक्शन की बात करें उसने किया है कि वॉट इज द मेन फंक्शन तो क्या होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस दोनों होगा तो बहुत देखो अगर मेन पूछे ना तो वहां पे तुम्हें गैसेस ऑफ एक्सचेंज ही लगाना क्या मेरे को मैंने पेपर भेजा नहीं है एक हफ्ते का कंप्लीट हो गया इसलिए मैम को मार्क्स नहीं दे दिए मतलब मेरे को कुछ चलो मैम आ जाएंगे पेपर ये चैप्टर कंप्लीट होता है ये चैप्टर जल्दी जल्दी सिलेबस है तो बहुत कम टाइम होता है सिलेबस कंप्लीट होता है पेपर डिस्कस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आधा घंटा मैक्सिमम क्योंकि सारे डाउट हैं नहीं एनसीईआरटी से पेपर का कुछ ही कुछ डाउट है थोड़ा भी नहीं कोई मैंने पहले भी एनिमल वाले से डिस्कस कराया है ठीक है और मॉल को भी थोड़ा सा डिस्कस हुआ था हिमाय ने क्या क्लास वॉटर एक्सचेंज या फिर वॉटर ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपीरेशन ठीक है तीन वर्ड सेम है सुनो पहला ऑप्शन लिख लिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस सेकंड में सुनो सेकंड में तीन चीजें आ सकती तीनों में से तीनों सही है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वाटर एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन ये तीनों अगर आ गया तो तीनों सही है स्लैश करके लिख लेना तीनों मैंने कब बताया था कि ऊपर लीफ के ऊपर लीफ के ऊपर आ जाता है ठीक है जब सेट होती है और जब वो ओपन होता है स्टोमेटा तो ये वापस अंदर भी चला जाता है रिटेन कर लेता है वाटर तो इज अ काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट ठीक है तीनों स्लैश करके लिखना ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर स्लैश एक्सचेंज ऑफ वाटर स्लैश ट्रांसपीरेशन समझ आया मैंने कैसे बोला आया सच कैसे बोला मैंने स्लैश ट्रांसपीरेशन ठीक है अगला पॉइंट लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना
स्टोमेटा उठा के बोलो सॉरी वो लास्ट मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टोमेटा आर फाउल स्टोमेटा आर फाउल चलो तुम मुझे कुछ बताने की कोशिश करो ये मोसे टंडे मुझे भी बीमारी लगा रही है मैं कलम दिखा के लेकर हो जाए ये उज्जवल कैसे चलता है यार चलो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आंसर करना ठीक है स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन फर्स्ट वन ज़ेरोफाइट्स मेसोफाइट्स स्पोरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स ये चारों पता नहीं क्या होता है ऐसा सब बहुत पे हम और जो कभी पढ़े इको बातें बोलो एक बार भी बता देखो जीरो फाइट्स जो ड्राई एरिया में है वो पेट जो ड्राई एरिया में पाए जाते हैं होता तो उसमें भी बोलो जीरो हाथ बताओ जीरो फाइट्स जो ड्राई एरिया में रहते हैं कौन प्लांट ना रहते हैं बोलो ना हाइड्रोफाइट्स तो पानी में रहते हैं लिथोफाइट्स रॉक पे रहते हैं रॉक चट्टान लिथोफाइट्स अरे छोड़ दे लिथोफाइट्स मेसोफाइट्स जो हायर प्लांट्स होते हैं जैसे बड़े बड़े पेड़ ट्रीज को बोलते हैं मेसोफाइट्स जंगल में जो बड़े प्लांट्स जैसे नीम पीपल ठीक है और यूकेलिप्टस ये सारे प्लांट्स हायर प्लांट्स ठीक है ये सारे हैं मेसोफाइट्स जो एकदम हाई लेवल पे चले जाते हैं जिनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है जैसे कोई सक्सेशन शुरू होता है ठीक है कोई कम्युनिटी शुरू होती है आप टॉपिक पढ़ गए देखो सक्सेशन मतलब क्या होता है किसी भी बैरन एरिया का कोई बैरन एरिया पता है बैरन होता है बन जाए ठीक है तो बैरन एरिया पे वहां पे किसी वजह से डिजास्टर की वजह से वहां पे क्या हुआ कोई फायर हो गया ठीक है फायर से पूरा सब कुछ बैरन हो गया मतलब ठीक है वहां पे कुछ भी कोई भी स्पीशीज नहीं है कोई भी एनिमल प्लांट कुछ भी वहां पे प्रेजेंट नहीं है बट क्या करता है कुछ टाइम बाद वहां पे कुछ एंजाइम्स वगैरह की वजह से कुछ स्पीशीज आना स्टार्ट करती है ठीक है लाइक पहले मान लीजिए आया बैक्टीरिया ठीक है सपोज फर्स्ट बैक्टीरिया आया ठीक है बैक्टीरिया ने वापस सर्वाइव करना स्टार्ट किया कैसे आया बैक्टीरिया जो रॉक थी रॉक पे क्या हुआ एंजाइम्स निकलना स्टार्ट हुआ ठीक है तो बैक्टीरिया आया अब बैक्टीरिया अब उसको सर्वाइव करने के लिए कुछ चाहिए अब बैक्टीरिया के बाद एक और स्पीशीज वहां पे डेवलप हुई ठीक है उसने क्या किया बैक्टीरिया को एक्सटिंक्ट कर दिया खत्म कर दिया फिर वो डेवलप हुई फिर उसके बाद एक और स्पीशीज आई ठीक है उसने सेकंड वाली स्पीशीज को खत्म कर दिया जैसे बढ़ते 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 स्पीशीज बढ़ती चली गई फिर प्लांट्स आने स्टार्ट हुए पहले हर्ब्स बने फिर श्रब्स बने अंडर श्रब्स बने ठीक है ऐसे प्लांट्स आना स्टार्ट हुए उसके बाद जो कैनोपीज कैनोपी पता है किसी भी जहां जब सक्सेशन स्टार्ट होता है जो फाइनल स्टेज होती है वो मेसोफाइट्स में आकर के खत्म होती है ठीक है मेसोफाइट्स क्या होते हैं फाइनल स्टेज होते हैं मतलब फाइनल मींस एंड स्टेज और उसके फाइनल स्टेज जो होती है फाइनल मींस स्टार्टिंग स्टेज क्लाइमेक्स देखो फाइनल स्टेज को क्लाइमेक्स भी बोलते हैं क्लाइमेक्स मेसोफाइट्स होते हैं और क्लाइमेक्स होते हैं इकोलॉजी नहीं पढ़ी ना मोर से कटी है नहीं पकड़ी है
और ये बहुत अच्छा चैप्टर है। नीट अगर 16 क्वेश्चंस कवर करता है, जेनेटिक्स पढ़ लेना तो वो अभी इकोलॉजी से लगभग 16 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं बता सकते? तुमको पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन इकोलॉजी से उनको लगा के 16 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इकोलॉजी से हर ईयर। एवरी ईयर मोर देन 16 क्वेश्चंस, जेनेटिक्स से मोर देन 18 क्वेश्चंस। हाँ कैलकुलेट करना था खोलना भी जो एक्सरसाइज होती है प्रीवियस ईयर वाले जाके देखना पड़ेगा। पता है क्या होता है? तुम लोगों को पता ही नहीं चलता ये क्वेश्चन इकोलॉजी से पूछा गया है, ठीक है? वो क्वेश्चन इकोलॉजी से होता है, मींस पर्टिकुलर चैप्टर से होता है, पर तुमको पता नहीं चल पाता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वो पूरा मिक्स करके पूछ लेता है। लिखो, स्टोमेटा आर फाउंड ओनली इन स्पोरोफाइट प्लांट्स। Found only in sporophyte was the one which we go into it. हाँ, two and deployed haploid में नहीं होगा, कभी भी stomata नहीं होगा। तो मैं मतलब क्या बोला? Spore बनाते हैं। Spore तो मैं उसके अंदर plot बनाता हूँ। क्लोरोप्लास्ट की बात नहीं कर रही मैं, स्टोमेटा की बात कर रही हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टोमेटा। क्लोरोप्लास्ट तो एल्गी में होता है, द्विआल्गी में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है? अच्छा मतलब ये मतलब ये स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट का कहीं और भी होता है क्लोरोप्लास्ट? हां तो वही तो डिफरेंस आया, क्लोरोप्लास्ट कहां स्टोमेटा में भी प्रेजेंट है, एल्गी में भी प्रेजेंट है, बट एल्गी में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? एल्गी से थोड़ा ट्रांसपिरेशन होता है, देखो देखा है नीचे एल्गी क्या है, नीचे जो लाइकेन्स होते हैं एल्गी का पार्ट होता है, फिर ट्रांसपिरेशन होता है, होता है? तो कुछ सोचो ना थोड़ा ये चीज। तो मैंने क्या लिखा है, साइक्लिक कहाँ होता है? बंडल शीट में या मेसोफिल सेल्स में? बिना क्लोरोप्लास्ट के भी स्टोमेटा होता है, विदाउट क्लोरोप्लास्ट भी स्टोमेटा होता है, बट नॉट इन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, ठीक है? और क्लोरोप्लास्ट स्टोमेटा के अलावा भी प्रेजेंट हो सकता है, लाइक इन एल्गी, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट एल्गी में क्यों नहीं है, वो सॉरी है, स्टोमेटा क्यों नहीं है, क्योंकि स्टोमेटा मोस्टली मेसोफाइट्स में होता है, एंड एल्गी इज नॉट अ मेसोफाइट। अब आया समझ? तुम लोगों को पता चला मैं क्या बोल रही हूँ? आगे क्या लिखा तुमने लास्ट पॉइंट? कंक्लूजन ये है कि क्लोरोप्लास्ट एक्सक्लूडिंग स्टोमेटा भी मिलता है, स्टोमेटा के अलावा भी क्लोरोप्लास्ट मिलता है, ठीक है? चलो डालो वर्ड से हेडिंग।
डाला व्हाट्स है ठीक है लिखो हैव क्लोरोप्लास्ट देखो व्हाइट सेल है व्हाइट सेल में क्लोरोप्लास्ट है ठीक है यहाँ पे व्हाइट सेल हम किसकी बात कर रहे हैं स्टोमेटा ठीक है क्लोरोप्लास्ट ठीक है अब देखो अगला लिखो एपिडर्मल सेल्स यहाँ पे जो इसको लाइन करेंगे ना वो एपिडर्मल सेल्स को लाइन करेंगे ठीक है लाइन बाय एपिडर्मल सेल्स क्या लिखा सेकंड पॉइंट लाइन बाय एपिडर्मल सेल्स थर्ड पॉइंट आउटर वॉल थिन एंड इलास्टिक थर्ड पॉइंट है आउटर वॉल इज थिन एंड इलास्टिक फोर्थ पॉइंट इनर वॉल थिक एंड इलास्टिक इनर वॉल थिक एंड इलास्टिक बट आउटर वॉल पतली है इनर वॉल मोटी ठीक है अच्छा तो मुझे बताओ मेज में गॉड सेल की शेप क्या होगी बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होगी कॉन्फिडेंट होके बोलो होगी कि नहीं होगी तो मैं ऐसे ही कंफ्यूज रहूंगा नींद में ऐसे ही कंफ्यूज करेगा क्या करोगे मस्टर्ड क्या है मोनोकोट टाइप होता है तो कैसी होगी कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं है ना ग्राम में ग्राम में ग्राम को तोड़ोगे तो दो क्वार्टरलेंथ से करते हैं दो क्वार्टरलेंथ होते हैं चाले को जब तुम ऐसे कर देते हो दो क्वार्टरलेंथ होते हैं तो क्या डाइकोट है डाइकोट में क्या होता है वीन शेप ना मैं वीट को मोनोमोंड में रखते हैं वो जो ऐसे नहीं वीट को तुम तोड़ोगे टूटता है क्या नहीं वो उसमें से भी लाइन दिखती है लेकिन वो टूटता नहीं है दो पार्ट दो क्वार्टरलेंथ नहीं होते एक ही होता है दिखने में और लगने में बहुत मतलब लगने में होने में बहुत डिफरेंस होता है सिर्फ दिखता है होता नहीं है उसको कभी तोड़ के देखना दो क्वार्टर लेटर्स नहीं बनी थी जो दिखता है वो सुनो सुनो चलो लिखो इन डाइकॉट वाइड सेल इज आगे क्या होगा बताओ और इन मोनोकॉट ग्रास से क्या होगा बट इन मोनोकॉट वार्ड सेल इज डबल शेप लिखो अगला व्हेन क्वाइट सेल्स आर टर्जेंट व्हेन क्वाइट सेल्स आर टर्जेंट जब वो टर्जेंट होगी तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है तो मुझे जल्दी से गेस करके बताओ
मैम टर्की क्या होता है मैम ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे ना यानी वो टर्की मतलब पुलिंग स्वेट बताइए बताओ चलो ना मैं वो क्लोज होगा नो एक्टिविटी नो रेस्पिरेशन और नो एक्सप्रेशन क्या हुआ नो स्मोकिंग जब जब स्टोमेक फूला होगा डाइजेस्ट होगा तब क्या होगा अच्छा बताओ ब्लड प्रेशर कैसा होगा हाई की लो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब उसके उसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो ग्रो होता है ना नहीं है स्टोमेटा क्लोज और ओपन क्लोज किसी गुब्बारे में तुम बहुत ज्यादा हवा भरोगे ठीक है बहुत ज्यादा हवा भरोगे तो फट जाएगा ना तो ओपन हो जाएगा ना ट्रेवल प्रेशर ज्यादा होगा तो ओपन नहीं होगा ट्रेवल प्रेशर किधर की तरफ होगा इधर नहीं हमेशा कंटेंट जो होता है आउटसाइड लगा ठीक है तो ओपन ठीक है और जब फ्लैशिंग होगी तब कुछ सोचो उसमें मैडम जब पानी अंदर कंटेंट बाहर आए तो खुला होगा जब कंटेंट ही नहीं होगा तो बंद हो जाएगा सिकुड़ जाएगा ना कंटेंट ही नहीं होगा अंदर सारे प्लाज्मा नहीं है तो सिकुड़ जाएगा ना देखो पहला पॉइंट ट्रैवल प्रेशर हाई पहला पॉइंट ट्रैवल प्रेशर हाई सेकंड देखो आउटर वॉल इज पुश्ड आउट आउटर वॉल इज पुश्ड आउट सेकंड थर्ड देखो इनर वॉल इज पुल्ड आउट पुल्ड खींच जा रही है बट आउटसाइड ठीक है पुल्ड आउट विद द हेल्प ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स विद द हेल्प ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स and stomata is open stomata open आगे लिखो अगला पॉइंट है अगला हेडिंग करो when white cells are flaccid अब मुझे सोच के बताओ इसमें क्या क्या होगा क्लोज होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है अगर प्रेशर कितना होगा लो या जीरो जीरो ठीक है सगा प्रेशर जीरो सेल्स वॉल अंदर की तरफ भागे ठीक है चलो इसको पहले टर्बो प्रेशर जीरो अगला पॉइंट देखो आउटर वॉल इज नॉट पुश्ड आउट आउटर वॉल इज नॉट पुश्ड आउट इट मूव्स टुवर्ड्स इनर साइड
पुश आउट के बारे में इट मूव्स टुवर्ड्स इनर साइड एंड दस पुलिंग प्रेशर ऑन इनर बोन एंड दस पुलिंग प्रेशर ऑन इनर बोन is released. Pulling pressure on inner bone is released. Due to which inner bone also moves towards inner side. Due to which inner bone moves towards inner bone move towards inner side. Towards inner side. अगला लिखो स्टोमेटा क्लोज्ड हो गया. अब देखो अगर मैकेनिज्म देखेंगे इसका K plus and H plus. देखो mechanism of closing and opening of stomata. ये क्या बोल रहे हो तो स्टोमेटा ओपन होता है और जब एच प्लस बाहर आता है तो स्टोमेटा क्लोज होता है. लेकिन दो आयन एंटर करते हैं एक साथ में एच प्लस एंड के प्लस मैलेट बना के मैलेट एसिड बना के बनाओगे हाई लेवल OAA बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टेज. ठीक है चलो इसको पहले याद रखते हैं एक बार लिखो फर्स्ट पैराग्राफ एंड ट्रांसलेशन. Thank you.
That means a plasma and सुनो ये वाटर मूवमेंट आपका प्लांट फूड प्रेशर ये सब नहीं कराया है क्यों क्योंकि ट्रांसपिरेशन दिमाग की यूज होना है ट्रांसपिरेशन इन सब में यूज होना है इसलिए मैं पहले ट्रांसपिरेशन कंप्लीट करा दी उसके बाद में कराऊंगी ठीक है मैं सीक्वेंस से करा रही हूँ बट इन अ प्रॉपर मैनर समझ रहे हो क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई टॉपिक ऐसा आ जाए जो तुम्हें पता ही नहीं हो तुम पहले टॉपिक में बच गए तो पहले उसको समझ लो फिर उसके बाद क्रिएशन मतलब ऐसे मतलब जो बीन शेप एक तरह से बीन शेप को क्रिएशन शेप बोलते हैं क्या बताऊंगी पहले उसको एज इट इज नोट करो फिर समझाओ एरो देख लो ये जो एरो लग रहा है ना मींस इंक्रीज ठीक है
ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन अगर अभी पढ़ लोगे तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस पढ़ने में। अमीगा इंग्रेड वन कॉपी विजिबिलिटी डिफरेंस की कर
दो आयन सेपरेट कर रहे हैं, क्लोरीन और पोटेशियम। क्लोरीन इधर देख लो, अरुण तुम पहले क्लास में बाद में बता दोगे ना, कोई बात नहीं, तुम बात कर लो आराम से, एक घंटे में जो तुम्हारा हो जाए तो मुझे बता देना। सॉरी मैं दो आयन एंट्री कर रहे हैं, क्लोरीन एंड पोटेशियम। क्लोरीन ऑलवेज नेगेटिव फॉर्म में होता है, पोटेशियम प्लस में होता है, तो पता ही होगा बहुत कॉमन सी चीज है ना। ये ऊपर से आते पोटेशियम क्या बना रहा है, पोटेशियम मैलेट, ठीक है, के मैलेट। उसके बाद के मैलेट के बहुत सारे आयन आ जा रहे हैं। अब आयन ज्यादा आएंगे तो कंसेंट्रेशन ऑब्वियसली बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। आयन ज्यादा है तो कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर की एंट्री होगी, ठीक है। थोड़ा सा ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस सोचो दिमाग में, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड इन एंजाइम ये बनाता है ओएटी। ये सेकंड प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, किसका, सी4 प्लांट्स का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, ठीक है। ये नीचे जाकर मैलिक एसिड बनाता है, किसके साथ मिलकर, किसी के साथ मिलकर एसिड बनाता है। देख लो कुछ कितना थोड़ी एरो है, ये मतलब कोई तो बता दे, मतलब जो तो है मतलब सी4 प्लांट का होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो सी4 प्लांट का साइकिल है, वो कैल्विन साइकिल और क्रैब्स साइकिल ये सब जो है वो अलग है, ठीक है। पहले कैसे बनाएगा, ये सीक्वेंस याद करना है, बस याद करने में आना नहीं है, कुछ बताऊंगी क्वेश्चन क्या है। मैलिक एसिड जब इसमें हाइड्रोजन क्या करेगा, इनफ्लक्स या इफ्लक्स या इनफ्लक्स कुछ भी करेगा तो क्या बनाएगा, ये मैलेट बनाएगा, और मैलेट से क्या बना देगा, के मैलेट, ठीक है। अब एटीपी से, जब हम एटीपी से एटीपी बनाते हैं, इन्फ्लक्स करेगा ना, इन्फ्लक्स करेगा, क्यों इन्फ्लक्स करेगा, एच प्लस ई इन्फ्लक्स करेगा, अंदर आ तो ठीक है, और पोटेशियम बाहर जाएगा, इन्फ्लक्स करेगा। मैं बोल रही हूँ लिखवाऊंगी अभी, जब सुन लो, जब एटीपी से एडीपी बनता है तो क्या आईपी रिलीज होता है, एक प्रोटोन निकलता है। एटीपी से एडीपी बनाते हैं तो एक प्रोटोन रिलीज होता है, ठीक है। तो एटीपी से एडीपी बन रहा है, या तो ये लिख दो, ये लिख दो, बात बराबर है। एटीपी एच प्लस के साथ मिलके एडीपी बना रहा है, एक प्रोटोन निकाल रहा है, ठीक है। सीक्वेंस याद कर, इसको बस ऐसे याद कर लो, एक बार एजुकेशन देख लो, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आएगा ऐसे, हेडिंग डालो। When stomata is open, मतलब opening के लिए, for opening, मतलब for opening, opening के लिए क्या क्या होता है? दो चीजें काम करती हैं opening के लिए, एक तो malic acid और एक K malic। देखो malic acid और K malic use हो रहा है ना, opening के लिए दो चीजें use हो रही है, malic acid और K malic। तो malic acid को पहले heading करो malic acid। मैलिक एसिड जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस कम होंगे कि ज्यादा होंगे, बताओ, कम होंगे, हाँ बिल्कुल, लेस आयन। अब देखो एच प्लस पंपिंग आउट, एच प्लस बाहर पंप हो रहा है तो आयनाइजेशन बढ़ जाएगा। देखो H plus pumping out, so ionization increases. H plus pumping out, so ionization increases. आगे देखो K malic. K malic, heading करो K malic.
अब देखो के वैलेंट के ऊपर देखो क्या लिखा है, मोर आयंस, तो ज्यादा आयनाइजेशन करेगा, मतलब आयनाइजेशन कम होगा, ठीक है, ये वो के वैलेंट मोर आयंस। तो मैं भी स्ट्रांग लाइक कर रही हूं, हां ये स्ट्रांग लाइक कर रही हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड मोर आयंस। ये तो हो गया किसके लिए, ओपनिंग के लिए, ठीक है, स्टोमेटा के ओपनिंग के लिए ये दो टर्म्स यूज करेंगे, मैलिक एसिड एंड के वैलेंट। मैलिक एसिड वीक है, के वैलेंट स्ट्रॉन्ग है, उसमें कम आयंस है, इसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, ठीक है। अब आगे देखो फॉर क्लोजिंग, वो क्लोज में लिखो K प्लस E फ्लक्स, E फ्लक्स मतलब बाहर जाना, K प्लस E फ्लक्स, K प्लस E फ्लक्स। नीचे लिखो H प्लस इन फ्लक्स, H प्लस अंदर जाना, तब स्टोमेटा बंद हो गया। ठीक है, K प्लस बाहर जाएगा, H प्लस अंदर आएगा, क्लियर। आगे देखो H प्लस इनफ्लक्स के नीचे इसी पॉइंट में, इसमें क्या होता है, एसोसिएटेड विद associate with malate, associate with malate to form malic acid, to form malic acid। So iron क्या करेंगे, इसके decrease करेंगे, ठीक है। देखो इधर ओपनिंग वाला चल रहा है, देखो इधर, इधर ओपनिंग वाला चल रहा है, उधर क्लोजिंग वाला चल रहा है, इधर आयन ज्यादा है, उधर आयन कम है, ठीक है, इधर ज्यादा है, उधर कम है। लिखो आयन डिक्रीज, आयन डिक्रीज करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करेगा। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज, अब जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वाटर कहाँ जाएगा, बाहर के अंदर, बाहर। तो देखो सो वाटर मूव्स आउट ऑफ द वॉल सेल, सो वाटर मूव्स आउट ऑफ द वॉल सेल, ठीक है, कंप्लीट। तो टर्गर प्रेशर कैसा रहेगा, ठीक है, चलो ये पॉइंट आज क्लियर हो गया, स्टोमेटा आज पूरा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ओरली सुन लो, टेंपरेचर, एनवायरनमेंट, फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एबायोटिक फैक्टर आ रहे हैं, टेंपरेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर, लाइट, लाइट,